नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं इस बार। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीए बीएड बीएससी बीएड इनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा जब भी आपकी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट होगी। तो इस वीडियो को जितने भी आप देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने आपका कॉलेज का जो ग्रुप है उसके अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी बीएससी बीएड बीए बीएड स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच के। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम की जो डेट है वो कब होगी, या एग्जाम डेट की अनाउंसमेंट कब होगा और कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका एग्जाम है, सबसे पहले बीए और बीएससी जो सिंपल बीए बीएससी करते हैं उनके एग्जाम होंगे, और उनके एग्जाम लगभग यूनिवर्सिटीज के देखना एक जैसे ही रहेंगे। तो उनके एग्जाम मई या लगभग 15 मई से स्टार्ट होंगे, और 15 मई से स्टार्ट होंगे, लगभग एक मंथ तक इनके एग्जाम चलने वाले हैं। तो मान सकते हैं मई मई पूरे के अंदर इनके एग्जाम चलेंगे, जो भी आपके बीएससी और बीए सिंपल वाले हैं। और उसके बाद एक डेढ़ महीने बाद आपके बीएससी बीएड के एग्जाम होते हैं, और इस बार जो इंटर्नशिप वगैरह है वो भी थोड़ा बहुत लेट है, तो एग्जाम थोड़ा बहुत लेट होगा, ज़्यादा लेट नहीं है। वैसे आपके जो बीएससी बीएड हैं बीए बीएड हैं उनके मई के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम, 15 या 20 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट है। तो देखिए बीएससी के एग्जाम भी एक महीना लेट है, तो आपके भी एक महीना लेट होंगे। तो लगभग आपके मिड जून या जुलाई फर्स्ट वीक से, मिड जून या जुलाई फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार आपके पास काफ़ी सारा टाइम है तैयारी करने के लिए, क्योंकि बीएससी वालों के लिए तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन बात तो एक ही है, बीए बीएड और बीएससी बीएड में, बीए और बीएससी में एक ही बात है, सब में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस इसके अंदर थोड़े बहुत बीएड के पेपर लग जाते हैं, उतना आपका सिलेबस भी कम हो जाता है, एक दो बुक नहीं लगती हैं, तो चीज़ें सेम ही हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास दो ढाई महीने तैयारी करने को हैं, तो अच्छे से तैयारी में जुट जाओ जिसने भी नहीं किया है। और पैटर्न को लेकर भी, क्या पैटर्न रहेगा, जैसा आपका बीएससी वाला रहेगा वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा। अगर 50% बीएससी वाला रहेगा तो ये भी इतना ही रखना पड़ेगा, है ना, सभी का एक जैसा ही पैटर्न रहने वाला है। जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एमजीएसयू से हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं, सबका एग्जाम पैटर्न एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने जो भी आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच के। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।